आज चरखीदादरी नगर परिषद के कच्चे सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि विभाग कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे और वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। साथ में उन्होंने वेतन को बढ़ाने की भी मांग की। हमारी मुख्य मांगे कच्चों को पक्का करने की। इसके अलावा जो हमारा जो सातवां वेतन दिया गया है उसमें हमें कुछ कटिंग सी लगी नजर आ रही, वो पूरा हिसाब किताब से नहीं ढंग से नजर आया। इसमें जो हमारा कच्चों का जो पीएफ वगैरह है उसका काफी बार तो हमने हिसाब किताब मांगने की कोशिश ही की है, अभी तक उनका हिसाब नहीं मिल पा रहा। कच्चों की जो छुट्टियां सरकार ने जो लागू कर दी है उन छुट्टियों को भी नहीं दे रहे, वो भी अपनी मरी पली चला रहे। क्या मांगे आपकी? हम हमारी मांगे जी, हम कच्चे कर्मचारी, हमने कच्चा साल हो गया, हमने पक्के करो जी, और 8000 में हमारा गुजारा नहीं होता। हम अपने बच्चा को पढ़ाए, काम खाए, उसको बच्चे भी घर में बैठ गए स्कूल से, ना तो स्कूल में फीस भरी जा रही है, ना कुछ हो जा रहा है जी, ना तो खर्चे पानी निकल रहे हैं। अगर ऐसे ही नौकरी करते रहे तो हम तो बिल्कुल पिस जाएंगे, ना तो हमारे टाइम से तनख्वाह मिलती है हमें, ना ही तो तनख्वाह पूरी देते हैं, ये खा जाते हैं हमारी तनख्वाह। जब नगर परिषद के सचिव संजय यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसी भी कर्मचारी का वेतन बकाया नहीं है, और जहां तक कर्मचारियों को पक्का करने की बात है तो ये सरकार ही फैसला ले सकती है और कोई नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर वेतन दिया जाता है। अब हमारे यहाँ दादरी के अंदर किसी महीने का कोई वेतन बकाया नहीं है, पिछले महीने के लगातार वेतन चल रहा है। छुट्टियाँ जो सरकार द्वारा निर्धारित छुट्टियाँ वो सब दी जाती हैं, निर्धारित के अलावा दो कार्य करने के समय पर कोई छुट्टी मंजूर नहीं होती। इसके अलावा जो लोग मांग कर रहे हैं कि उनको पक्का किया जाए, कोई इस टाइप का कोई नियम है सरकार में? देखो, ये पक्का करने वाला ये नियम वगैरह तो सरकार द्वारा किया जाना फैसला होता है, ये फैसला सरकार ही लेगी, ये नीचे लेवल पर नहीं होता, सरकार का काम है।